हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ वो शब बारात स्पेशल की ला रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ दी हैं, पुलाव बिरयानी पूरा प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। लेकिन बिरयानी ऐसी डिश है जो लोग बार बार मांगते हैं, हर एक के घर में बनती हैं, बहुत बनती है और वेरिएशन चाहिए होती है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को जो है एक ट्रेंडिंग बिरयानी है मटका बिरयानी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए नोट करते हैं। अच्छा, अब हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, आप लोग प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने सेला राइस लिए हैं और इनको मैंने हाफ़ डन किया है, ठीक है। तकरीबन 50% तक मैंने इसको पकाया है। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को चावल बॉईल करने का तरीका बताया है, इसी तरीके से आप चावल बॉईल कीजिएगा, खुले पानी में कीजिएगा ताकि खिले खिले चावल रहें, ठीक है। यहाँ पे 3 के करीब मैंने आलू ले लिए हैं, इनको है बॉईल करके और हल्का सा येलो कलर डाल के इनको बॉईल कर दिया है। यहाँ पर चिकन जो है मैंने 750 ग्राम ली है तकरीबन। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको ज़रा से एक नज़र देख लीजिए। यहाँ पे जो है मेरा सीक्रेट बिरयानी मसाला, जिसकी मैंने रेसिपी आप लोगों को दी हुई है चैनल पे, ये हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर जो है धनिया है, अच्छा हैंडफुल ऑफ धनिया, लाल मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून के करीब, लहसुन अदरक जो है वो 2 टेबलस्पून है, धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये हमारे स्पेशल गरम मसाला है, ज़ाफ़रानी गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, सारे डिस्क्रिप्शन जो हैं वो लिंक पे आ रहे होंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट है, बिरयानी में मैं हमेशा बोलती हूँ आपको जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसमें डलता है लाजमी, तो आप देख लीजिएगा। मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ये चाइनीज़ सॉल्ट मिक्स करके डाला है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये बिरयानी मसाला है 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है, आलू बुखारे 4 से 5 हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो 5-6 हैं, लाल प्याज जो है मैंने फ्राई करके रखी हुई है, ब्राउन अनियन तकरीबन 2 के करीब मैंने ब्राउन अनियन ली थी, और दही है यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब। कुछ चीज़ें जो है इसकी तह में जाएंगी, जिसमें लेमन है, 1 लेमन को पतला पतला स्लाइस कर लिया है, 1 टमाटर जो है उसको पतला पतला स्लाइस कर लिया है, धनिया और पुदीना जो है वो 2-2 टेबलस्पून है। ऑयल हसब ज़रूरत लेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब लूँगी मैं, 1/2 से 1 कप के करीब जितनी ज़रूरत होगी। बिरयानी का एसेंस डालेंगे, थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे हम, और थोड़ा सा किनोड़ा वाटर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, हमने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पहले जिंजर गार्लिक, उसके साथ ही हम तकरीबन 700 ग्राम से चिकन है ये डाल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम सारे मसाले डालते हैं, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन पाउडर, सॉल्ट, अजीनोमोटो, बिरयानी मसाला हमारा सूखा बिरयानी मसाला जो मैंने आप लोगों को करवाया है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, ठीक है, मिर्चें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मकसद सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया देना है कि आप जो है इसको किस तरह से बना सकते हैं। इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, इसको ज़रा 10 मिनट पकाएंगे, फिर इसकी बाकी की चीज़ें डालते हैं। इसको कवर करना है, 10 मिनट बाद आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे चिकन को जो है 15 मिनट हो गई हैं, अब जो है हम इसको मटके में बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे के प्रोसेस बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने इसका थोड़ा सा शोरबा रखा है, इसलिए कि जब ये मटके में पकेगा तो फिर ये नीचे वरना चिपक जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमें आगे के स्टेप में आपको बताती हूँ यहाँ पे जो करना है हमें। ये हमने एक हांडी ले ली है और इसमें जो है हम सबसे पहले थोड़ी सी इसकी ग्रेवी डाल देंगे नीचे, इसलिए कि मटके में जो है बनाते हुए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ख्याल रखना होता है वो यही होता है कि ये जल ना ही जाए, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी और ये सारी चीज़ों का रेशो सही रखेंगे ना तो ये इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ी सी तरी और थोड़ी सा जो है इसकी ग्रेवी डाल दी है, और अब जो है मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पर हम झोल बनाएंगे एक, ये मैंने जो है 1 कप दही ली है, इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर डालूँगी, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालूँगी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डालूंगी, ठीक है। आप चाहें तो आप डालें, नहीं पसंद तो ना डालें, कुछ लोगों को पसंद होता है कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है थोड़े से चावल डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल
चावल मैंने 50% डन किए हैं, 50% इसमें पकेंगे, ठीक है। ये हमारी सारी चिकन हम डाल देंगे इसमें, ये 3 से 4 लोगों के लिए इनफ हो जाएगी। ये वही मटका बिरयानी है मशहूर, जो आप फूड स्ट्रीट पे खाने के लिए जाते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी जो बिरयानी की रेसिपीज़ हैं इसमें आपको कौन सी बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर आप इसके अलावा कोई बिरयानी सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर हम यहाँ पे ये दही डाल देंगे जो हमने दही का घोल बनाया है। अच्छा, हैंडफुल ऑफ ब्राउन अनियन का डालेंगे। लेमन स्लाइसेस पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो मत डालें। टोमेटो, धनिया बहुत सारा, हरी मिर्ची डाली हमने, थोड़ा सा गरम मसाला, हमारा जो होममेड गरम मसाला है ज़ाफ़रानी गरम मसाला, आलू, पुदीना। अच्छा, अब चावल हम डालेंगे। तकरीबन 1/2 kg के करीब मैंने चावल लिए हैं। ये थोड़ी सी तरी मैंने बचा ली है, ये मैं ऊपर डालूंगी इसके, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। लाल प्याज, ये टमाटर अगर डालना चाहें तो डाल दें ऊपर। इसको अच्छा सा हम पैक करेंगे और इसके ऊपर दम रख देंगे कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा वो है कि लग जाए तो आप नीचे तवा भी रख दीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पे रखते हैं, थोड़ी सी तेज आंच पे, फिर 5 मिनट बाद हम इसको दम पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। अच्छा, 15 मिनट हो गई है दम पे, अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको जो है हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बहुत अच्छा जो है वो टेंडर भी हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, जूसी भी बहुत है, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शब बारात में ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान बिल्कुल शुरू होने वाला है और आप सब लोगों को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी मैं रमज़ान गिव अवेज बास्केट बना रही हूँ। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप ज़रा एक छोटी सी वीडियो बना के मैं शेयर कर दीजिए कि किस तरह के आइटम्स होती हैं, क्या होती हैं। तो मेरे पास डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट इसमें बजट है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग टू योर बजट हो सकती है। ये एक कस्टमाइज बास्केट बन रही है किसी की, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे इन्होंने खजूर का एक बॉक्स लिया है, असोटेड डेट्स का, इसके साथ इन्होंने 2 शरबत की बॉटल्स ली हैं, एक बादाम का शरबत है और एक गौन का शरबत है, ये दोनों मेरे बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा मेरे पास सिंधी आलू बुखारे का शरबत भी होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर चाट मसाले का एक पैकेट है और 1 डज़न इन्होंने बॉक्स पैटीज लिए हैं और 1 डज़न थ्रेड चिकन लिए हैं। तो ये इनका जो है ये इन्होंने अपनी बास्केट इस तरह से कस्टमाइज़ करवाई है। 3000 से लेके आपके आपकी जितनी भी आपकी जो रेंज है उसमें बास्केट्स बन जाती हैं, आप अपने कस्टमाइज ऑर्डर्स बनवा सकते हैं।
और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मेरा फेसबुक का पेज और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।